हेलो, वेलकम टू द एनिमे वर्ल्ड। आज हम लोग खेल रहे हैं गेंशिन इंपैक्ट। जिस दुनिया में जाके आप लोगों को लगेगा कि मेरी दुनिया इतनी कलरफुल और ब्यूटीफुल क्यों नहीं है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट यू फेल हियर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। बट व्हेन यू वांटेड टू लीव एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, your path was blocked by some unknown god? There are gods in the game, epic. Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. एनिमे मूवी चल रही है डेफिनेटली। सिलेक्टेड ट्विन, शुभु, डन। ओके, यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी गोकू की तरह, उसके बाद हम लोग बचाने आएंगे। ओह, व्हाट? डोंट गो, गिव माय सिस्टर बैक। उसने मेरे को भी कैद कर लिया, एंड जस्ट लाइक दैट द गॉड, जस्ट लाइक दैट द गॉड टुक अवे माय सिस्टर। आप ही बोलो सर। Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. Mm-hmm. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone, until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. कोई एक कैरेक्टर होता ही है इतना क्यूट, हाँ? We should head off. Let's get going. तो तेरे को एक क्यूट साथी मिल गया यार, हैं? इसकी आवाज भी कितनी प्यारी है। अच्छा तो प्रेस इवेड जंप। देखा मैं क्या कह रहा था? एक ऐसा वर्ल्ड जो तुम्हारी रियल लाइफ से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा कलरफुल है। जेलेसी फील नहीं होती? होती है ना। ओशियन क्रैब, होल्ड टू ओपन शॉट। तो हम लोगों के पास काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, ये आई थिंक जितना ट्रैवल करेंगे उतनी ज़्यादा अनलॉक होगी। वेपन्स वगैरह, तो अभी मेरे पास लेवल 1 की सॉर्ड है। हाँ, मेरे को वही मॉन्स्टर्स डिफीट करने होंगे, अपने आप को लेवल अप करना होगा। ये तो वो या दूसरे वर्ल्ड की जो एनिमे बनती है ना, उसी पे बेस्ड है आई थिंक। वो तेरे अटैक पैटर्न्स इतने एपिक कैसे हैं अभी से ही? ओ ये देखा, लेवल 1 लेवल 2 के मॉन्स्टर्स हराने पड़ेंगे मुझे। ओ मैंने एक एनिमे देखी है जिसमें स्टार्टिंग के मॉन्स्टर्स ऐसे ही क्यूट क्यूट से आते हैं, एंड उसके बाद थोड़े टफ होने लग जाते हैं। वो ड्रैगन वगैरह बाद में आएंगे। ओके, प्रैक्टिस हो रही है अपनी आई गेस। आई थिंक मैं आगे जाके जैसे जैसे मेरे फ्रेंड्स बनेंगे मैं कैरेक्टर्स भी चेंज कर पाऊँगा। यार ये एपिक सॉर्ड स्टाइल भाई, लेट्स गो। हमारी क्यूटी पाई वेट कर रही है हमारा। बटन और टेलीपोर्ट, तो हम इससे टेलीपोर्ट कर पाएंगे। गॉट इट। वाओ यार कलर्स भाई, देखो कभी ना कभी हर कोई ये सोचता होगा कि यार ऐसे वर्ल्ड में, लाइक जो आने में देखता है कि ऐसे वर्ल्ड में जाना है मुझे। यस, आई मीन भाई ऐसे वर्ल्ड में जाना इतना बढ़िया भी नहीं है, यू नो, सॉर्ड फाइट वगैरह, फिर अपने आप को स्वॉर्ड्समैन बनाना पड़ेगा एक बढ़िया वाला। लेकिन मैं यहाँ पे रहना ज़रूर प्रेफर करूँगा। देखो शांति कितनी है यहाँ पे, ह्यूमैनिटी नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा भैंस की। यहाँ पे रहना वैसे आसान तो लग रहा है, लेकिन आसान होगा नहीं डेफिनेटली रिसोर्सेज वगैरह के लिए। लेकिन फिर हमारे पास पावर्स होंगी, ये एपिक उड़ने उड़ने वाली, शायद उड़ क्यों नहीं रहा मैं, मैंने सुना था इसमें उड़ते हैं, ये लिजार्ड पकड़ लेते हैं। हमें वही मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन करना पड़ेगा यहाँ। Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover.
आई गॉट इट, पर ये ऐसे कैसे चढ़ गया? ओए स्पाइडरमैन है तू, ये ऐसे कैसे चढ़ गया? Which of the seven are you looking for exactly? यार ये इतनी क्यूट क्यों है? और तू क्या पूछ रही है? सेवन क्या ढूंढ रही है? ओ मुझे फ्रूट्स दिख रहे हैं, संसेतिया, आई थिंक ये हमारी हेल्थ वगैरह इंक्रीज करेगा मे बी। ये तो मेरे साथ साथ एक स्पिरिट की तरह चल रही है। हाँ तो ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है। ये वाओ किसको बोल रही है? नज़ारे, वो तो मैं हर चीज़ को देख के बोल सकता हूँ इस गेम में। क्लीन कितना है ये, कलरफुल कितना है, आंखों को कितना प्यारा लगता है ना। वाओ यार, अपनी रियल वर्ल्ड ऐसा होता है कार्टूनिश टाइप, मजा नहीं आ जाता। स्टैच्यू ऑफ द सेवन, देयर आर अ फ्यू ऑफ दीस स्टैच्यूज स्कैटर्ड अक्रॉस द लैंड टू शो द सेवन्स प्रोटेक्शन ओवर द वर्ल्ड। अमंग द सेवन गॉड्स, दिस गॉड कंट्रोल्स द विंड। Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. What is the reason? The outlander who caught the wind. So basically, as we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. So हमें strong बनते रहना है basically, right? इसको पकड़ सकता हूँ मैं? Non vegetarian हूँ ना? Flowers और fruits ही ले रहा है फिलहाल तो ये। भाई non veg खा। Strong कैसे बनेगा? तो हमें strong बनना है, उसके बाद God से fight करके अपनी sister को बचाना है। What is this? Exploration knowledge. नहीं, return to quest point. अबे है क्या वो? Explore ना करूँ मैं? भाई open world game है ये। एक मिनट में वापस आ गया। मेरा point reset क्यों हो गया भाई? That's a statue of the seven. There are a few of them among this. Paimon's not sure whether the god Paimon. Dragon se fight karne ka mauka milega kya? I can swim right over. Nice, I can swim. Checkpoint hai mera. Next scene kya hai? इससे प्रोटेक्शन का पता चलता है ना। सो ये है हमारा वर्ल्ड मैप एंड हम यहां पे हैं। अनएक्सपेक्टेड पावर। ओह, डिड यू जस्ट फील द एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. I think I know why. It's because... It's because you're not from this world to begin with. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of Animo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. So mujhe itni jaldi power mil gayi? How bhai? Mereko kyon select kara usne? Abe ye level 1 kuch nahi mere samne. Press the button. Oh, whoa! मेरे पास powers हैं अब. Epic. मेरी health कहाँ पे है बे? फिर से power unleash करनी पड़ेगी. Nice. मेरे पास कुछ और भी है भाई. ओए मेरे को एक मिनट आग लग रही है. तो ये आग वाले cartoon है और इसमें क्या है? Whoa! These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Very nice. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? अरे तो cute है वो, बहुत नहीं है, हैं? तू एक spirit की तरह मेरे साथ रहे, motivation मिलेगी मेरे को. Oh, मैंने कुछ claim करा.
तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं रीच रेपुटेशन लेवल 18, ओहो, और हर किसी की अपनी अपनी है, और उसके बाद ये सब भी है, बाप रे कितनी बड़ी गेम है ये। ग्रीटिंग्स ट्रेवलर, द वेब इवेंट अ वन मैन वेलकम हैज बिगन, पार्टिसिपेट इन द इवेंट टू रिसीव प्रीमो जेम्स एंड अदर रिवॉर्ड्स। एक मिनट, मुझे ये गिफ्ट्स वगैरह क्यों मिल रहे हैं भाई, रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड, आई लाइक इट, मना नहीं कर रहा मैं। सो हमारे पास एक न्यू सॉर्ड है, लेट मी सी, हिटिंग ओपोनेंट्स विद नॉर्मल एंड चार्ज अटैक ग्रांट्स 50% चांस टू डील 200। अब मेरे पास न्यू वाली सॉर्ड है ना, नाइस। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लाइक फूड इतने हैं, फिर टेल्स मिल रही हैं मुझे, बाप रे सब कुछ समझने में टाइम लगेगा। वो क्या हो रहा है, एक मिनट, वो मैं देख नहीं पाया, मैं कुछ पढ़ रहा था। ओके, ये तो मेरे को थोड़ी थोड़ी फोर्टनाइट वाली वाइब्स दे रहा है, सही बताऊं तो, है ना, वैसे ही कलर्स हैं। ओ बाप रे, लेवल 2 मॉन्स्टर्स, इक्विपमेंट्स देखो बाप रे कितने हैं, वेपन्स ही वेपन्स, एकदम खुदा बनने का प्लान है इसका, आई मीन 7 गॉड्स से फाइट करनी है तो ऐसा होगा ही। मैं अपनी पावर यूज करता हूँ। ओए पावर क्यों नहीं यूज करी तूने, ये तो वैसे कमजोर से ही है। R2, मेरी पावर से मेरे को भी लगती है पर, लेकिन फ्लेम्स पे अगर मैं चढ़ूंगा तो ये तो कमजोर से ही है वैसे। तो इनके इलाके को लूट सकता हूं मैं, वाओ नाइस। मेडिसिन, टीचिंग ऑफ फ्रीडम, अरे कैबेज मिली मुझे, वेजिटेबल्स वगैरह खाते रहना पड़ेगा आई गेस। सो मेरी हेल्थ वगैरह कहाँ है, और मुझे ये फ्रूट्स एक्चुअल में खाने पड़ेंगे क्या, ये टेल्स वगैरह भी मैं लेने लग रहा हूँ। लेवल 3 मॉन्स्टर, अब तो प्रोफेशनल हो गया मैं। क्या मैं इनको मार सकता हूँ, नहीं वो तो निकल लिए भाई पहले ही, पर मॉन्स्टर्स हैं यहाँ। मेरे को नहीं लगता है इनमें से कोई मेरे को मार सकता है, हाँ फिलहाल तो सारे कमजोर कमजोर से ही हैं। खेलने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को इसमें यू नो माइनक्राफ्ट की तरह सर्वाइव टाइप करना होगा, ये एक सर्वाइवल गेम है। चेस्ट भी ऐसे छुपी छुपी बैठी हैं पत्थरों के पीछे, आई थिंक हमें आगे जाके उड़ने की पावर मिलेगी, मैंने देखा है एक दो वीडियोज में ना। अरे लायन भी है, एनिमल्स को मारना, वो तो भाग रहे हैं डरपोक, वो गायब हो गया वो मेरे सामने, मैजिकल एनिमल्स हैं। सो कहाँ पहुँच गए हम, अभी तो मिडल ऑफ द फॉरेस्ट हैं, कोई ड्रैगन वगैरह अटैक करेगा, ऐसा ही होता है एनिमे में तो। अरे क्या ब्यूटीफुल क्रीचर और एक नया कैरेक्टर। Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Whoa. Who's there? Bavla gaya re ye butterfly. Kya level hai teri pata? Us basis pe main decide karunga tere se fight karni hai ya nahi. भाग गया वो बगोड़ा। That was close. Paimon almost got blown away. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Good thing you didn't pull my hair out. Good thing the dragon didn't notice us. नहीं उसने नोटिस तो कर लिया। Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. I cannot believe dragon exists in this world. Is talking to dragon normal? Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. Ah, so Paimon doesn't have a good feeling about this. अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये Paimon की fan following इतनी खतरनाक क्यों है और ये क्यों popular है इतनी इस game में। I mean, Paimon एक ऐसा character है ना जो तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कि ये क्यूटी पाई को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कैरेक्टर है कि इसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्रिम्सन क्रिस्टल, Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is.
All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. तो पाइमन मेरी स्टोरेज है, हाँ? ये मेरे सारे क्रिस्टल्स, फूड और टेल वगैरह संभाल रही है. I like it. Thank you. Frogs. Hey you! Stop right there! Here it is, the main beautiful character, I think. May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. Yeah, sahi baat hai. Mascot, what's the deal with it? Dear friends, emergency food bolu. Definitely. Hey, it's worse than being a mascot. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. That's a rather rude way to speak to them. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? Okay, what is happening, bhai? Ye suspicious hai. Obtained new character, Amber. Nice. Haan, maine kaha tha na, to ab hum as different characters khel sakte hain, haan? To hold aiming mode. Arre, nice. Iske paas arrow powers hain. So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? He got separated from his sister during a really, really long journey. Wait, invisible over. His travel buddy, helping him to find his sister. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. Oh, iske paas arrow hai. What do you need to finish doing first? As a main weapon. It's simple. You'll understand in a bit. And R2 power bhi iske paas kuch different lag rahi hai. Hey! Oh, what is this? मैं एम नहीं कर पा रहा एक्चुअली. फुल चार्ज है. ओए, क्या ये अपनी डॉल फेंकती है दूसरों पे? बस ओ फटती है ये. बॉम्ब डॉल है मेरे पास. मेरे पास पाइमॉन भी नहीं है, वो भी इनविजिबल रहती है. हाँ, ड्यूरिंग द गेम प्ले मैं इतनी सारी चीज़ें तो कलेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं इनके यूज़ क्या क्या होंगे. धीरे धीरे पता चल ही जाएगा. ओह, मैं पेड़ों पे भी चढ़ सकता हूँ यार. राइट, तो इस एम्बर का आई थिंक कोई डिफरेंट मिशन होगा. नहीं, लोकेशन पे ही जाना है हमें. सेम, आई थिंक इसके पास इनफिनाइट एरोज हैं. अ हिली चर्ल, क्विक, गेट इट. हिली चर्ल, रुको, लेवल 2 है यार, उसे तो मार सकते हैं हम. भाई साहब, एम करना कितना मुश्किल है. नाइस, स्पैम कर सकते हैं हम लोग. दीस मॉन्स्टर्स हैव बीन गेटिंग टू क्लोज टू द सिटी रिसेंटली. My task this time is to clear out their camp. Camp clear karna hai. Oh. I'll race you there. Pehle checkpoint touch kar lete hain. I mean ye bhai hai. Haan, teleport kar payenge hum. Ye wala camp level 1 monsters hain, to balak log. Ek minute, main R2 wali power use kar sakta hu apni, right? Ye kuch kar nahi rahi hai par doll. ओ बाप रे, उसके पास भी एरो आई थिंक. नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, मैं ऐसे करके मार सकता हूँ. ये ऑटोमेटिकली एम कर देती है. नहीं, 6 डैमेज हो रहा है. लॉल, अरे तो शुभू तू आ भाई. या ऐसे करना ज़्यादा इजी है. उसे मार देते हैं फटाफट जाके. ओ डैमेज करो उसे मेरे को. नथिंग टू इट. Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. Huh? How'd it feel?
barely broke a sweat. Those things are nah. Now that you mention it, how is it the hilly trolls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Black Clover वाली vibes आ रही है मुझे थोड़ी थोड़ी हैं. तो हमें सिटी पे जाना है. ये नाइट हमारी हेल्प कर रही है. नाइट है ये हाँ. ये सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट वगैरह करते हैं जो. Potato and carrot. एक और चेक पॉइंट दिख रहा है मुझे. मिंट. ये चेस्ट है? वो ये क्या था भाई? हिडन मॉन्स्टर यही है ना. निकाले कैसे इसे? ओ बाप रे. मैं दूसरी साइड देखता हूँ ना जब मारता मेरे को. आई गेस हम कुछ नहीं कर सकते, उसे अकेला छोड़ देते हैं. ओए यहाँ पे तो एक और कैरेक्टर घूम रहा है. हेलो ब्रदर. On an exploratory. अच्छा मिशन पे. Do I need help with anything? Do you need help with anything? I don't think I've seen you in the city before. Well, Godwin, you are an old fellow. Goodbye. एक्चुअली इसे अकेला छोड़ देते हैं. जो कैरेक्टर्स बोलते नहीं है ना, उनसे इंटरेक्ट करना थोड़ा बोरिंग सा लगता है. अबे यही तो है वो. हाँ तेरा तेरी. मार दिया मैंने. इस बार फंस ही गया. वो छुपने का टाइम नहीं दिया मैंने उसे. ये चेस्ट का क्या सीन है? हाँ हम कुछ नहीं कर सकते आई गेस. ना अभी हम स्ट्रांग नहीं हैं इतने. नई पावर्स चाहिए हमें. यार ड्रैगन वगैरह टेम कर पाते ना तो और मज़ा आ जाता. आई मीन मे बी इन फ्यूचर. ओ अच्छा वो बॉम्ब था. वाओ अरे कैंप है तो. रुको. ओ बाप रे. तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए. फट गए भाई वो तो. एक रह गया. कौन रह गया? वो तो मैं डिपेंड करता है कि मैं क्या यूज करना चाहता हूँ. हाँ ओ बाप रे. ये क्यों नहीं फटी? मैं इस पे मार रहा था. ओ ये अपने टाइम पे ही फटेगी क्या? कोई फायदा नहीं होगा. नाइस गई. ओके तो मेरे को कैरेक्टर्स की पावर के हिसाब से चुनने करने पड़ेंगे वो. हाँ मैं फूड बना सकता हूँ. कुक मैन्युअली. परफेक्ट. अच्छा बना तो दिया मैंने. खाएंगे कैसे इसे? इन्वेंट्री में जाके. हाँ अच्छा ये जो नीचे है वो मेरी हेल्थ है क्या? 1051 में भी. ये भी एक चेक पॉइंट है. एक नया वर्ल्ड खुल गया पूरा. अबे ये मैप और बड़ा है. स्टेच्यू ऑफ द सेवन. स्टेच्यूज ब्लेसिंग. ऑटो रिकवरी. मैं खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ. सो मुझे हेल्थ मिलती रहेगी जब मैं इसके आसपास रहूँगा तो. हाँ वर्शिप स्टैचू. तो वर्शिप करने के बाद स्टेमिना और ये सब मिलेगा मुझे. हाँ पर मैं वर्शिप अभी कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को कोई आइटम चाहिए आई गेस. इट्स वन ऑफ दोस कंसोलिडेटेड विंड थिंग्स. विंड थिंग्स. लेट्स गो बैक टू द स्टैचू ऑफ द सेवन एट विंड राइज एंड ऑफर इट टू द गॉड्स. वेल यू शुड कम विद मी. पाइमन विल टेल यू अबाउट द रेस्ट लेटर. तो ये रहा ना स्टैचू तो आई गेस यहीं पे काम हो जाएगा अपना. इट्स अ स्टैचू ऑफ द सेवन. Let's make an offering and see if the gods respond. Worship, I think. अब हम worship कर सकते हैं, right? अच्छा ये चाहिए था मेरे को. Offer all. ये किये मेरे पास. अरे मेरी rank बढ़ गई और you know stamina वगैरह बढ़ गया. Nice. तो ये तो ढूँढना चाहिए मुझे. Can you feel the blessings of the seven? पता नहीं. In Mondstadt, people call them animalculi.
they can be fitted into the statue's eyes. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. I guess some people with visions collect them to offer to the statues as blessings. Main story pe jana chahiye, you know, tabhi kuch samajh mein aayega. Unlike others with powers, you don't have a vision. But Paimon, the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. अरे तू एक बार बता, रुक रुक के क्यों बोल रही है? हैं? आयरन चंक, इसमें तो आइटम्स ही इतने सारे हैं यार, मेरे को जल्दी से जल्दी कोई एनिमल टेम करना पड़ेगा. हाँ, जिससे कि हम डिस्टेंस कवर कर पाए जल्दी जल्दी. हेलो ब्रदर्स, ओ इनके पास शील्ड है भाई. टफ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही करना पड़ेगा भाई. शील्ड है इनके पास, पहले इनकी शील्ड तोड़नी पड़ेगी. सच में R2 की पावर. ओ बाप रे, उसने तो बचा गए रहे थे मेरे अंदर. अच्छा इनको तो मैं मार ही सकता हूँ ना, एक दो के पास ही है शील्ड. लेवल 14 है ये, डैम. फिर भी मैंने मार दिया तो अच्छी बात है. जितनी ज़्यादा लेवल के बंदे मारूंगा उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा. ओके पास होनी चाहिए वो. भाई साहब कितनी सारी चीज़ें मिल गई मेरे को. ये हैवी वाले बंदों को मारना चाहिए भाई, बेनिफिट होगा. सो हम लोग सिटी ऑफ फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे हमें क्लूज मिलेंगे. ये कौन है? टिम्मी. व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्केयरिंग द पिजन्स अवे. अबे तू जा टिम्मी, एक गुद्दी तोड़ दूंगा तेरे चांटे मार के. अपनी हाइट देख रहा है तू? देखियो किससे पंगे ले रहा है. जा पहले अपनी हाइट बढ़ा, जा पहले मिल्क शिल्क पी. देयर इज नॉट मच आई कैन डू अबाउट इट नाउ. दे विल बी बैक. They do come back usually, but what happens if one day they leave and never come back again? अबे तू lonely, depressed है क्या तू? हैं? Pigeons से काम चला रहा है बताओ ये. चलो कोई बात नहीं. Just like daddy. अरे इसका daddy दूध लेने गया था, अभी तक आया ही नहीं वापस. अरे so sad यार. देख रहे हो उसकी आंखों में दर्द? मेरे को नहीं दिख रहा. मैं तो मजाक उड़ा रहा हूँ हमारे बेचारे टिम्मी तेरी. बच गया तू, मार नहीं सकता मैं. अबे एम्बर को क्या हो गया ये? एम्बर के पास सुपर पावर्स हैं. आई मीन वो उसका स्पेशल अटैक. नाइस, यूज करेंगे. इसके दो पिजन्स भी उड़ा देता हूँ मैं. की गालियाँ देगा मुझे वो. अरे यहाँ तो बहुत सारे लौंडे लौंडिया है यार. तुम लोगों को भाई कोई काम धंधा नहीं है? ये सारे व्यू एंजॉय कर रहे हैं. आई मीन मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, व्यू इतना प्यारा है इस गेम का. हेयर वी गो, सिटी ऑफ फ्रीडम. एक प्यारी पीसफुल कलरफुल सिटी. सो ये है वो गॉड जिसकी पूजा करती हैं लोग, आई थिंक. या ये प्रोटेक्ट करती है ना इस सिटी को. लेट मी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस द सिटी ऑफ विंड, डैंडेलियंस एंड फ्रीडम. ट्रैवलर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द नाइट्स ऑफ हेवोनियस, वेलकम टू मॉन्स्टैड. फाइनली, नो मोर हैविंग टू कैंप आउटडोर्स. बट द सिटी फोक डोंट लुक टू चीयरी. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius. Jean, Defender of Mondstadt. Defender. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Oh, I hope she knows something about the God of... Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveler. ट्रैवलर क्यों नाम बोल भी रहा? Clear out that Hilltrol camp. Hey, why doesn't Paimon get a reward? कितनी क्यूट है यार ये. Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast. यार कितनी क्यूट है ये. We'll head to the city's high ground. मैं दूंगा तेरे को, मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स है Paimon. अच्छा ये गायब हो जाती है. ऑल राइट, वी आर इन द सिटी. ओपन क्वेस्ट मेन्यू. मेरे पास क्वेस्ट है एक. विद योर हेल्प द प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व्ड क्विकली. लेड बाय एम्बर यू रीच द सिटी ऑफ फ्रीडम. अब ये छोटे मोटे काम देगी आई गेस मेरे को. वही छोटे छोटे काम करके हमें बड़ा बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और उसके बाद हम अपनी सिस्टर को बचाने जाएंगे. खैर मेरे को सबसे पहले चाहिए उड़ने वाली पावर ताकि हम डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर कर पाए. एनीवेज ये गेम ब्यूटीफुल है और अभी तक